वेलकम टू अनस्टॉपबल गाइज, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और ये है 68 BPSC का क्वेश्चन पेपर और ये एग्जामिनेशन हुआ है जिसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं और बहुत सारे इसमें टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज बातचीत करेंगे गाइज। और यूँ कहा जाए तो पहली बात तो ये है कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में हम पहले ये बात करेंगे कि जो इस बार न्यू पैटर्न आया है तो न्यू पैटर्न में क्या क्या चेंजेस दिखने को मिला है वो बात करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब आप लोगे और क्वेश्चन पेपर जब मैं आपको दिखाऊंगा और उसका आंसर की जब मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आंसर उसमें तीन ही दिए गए थे। एक्चुअली में दो ऑप्शन जो दिया गया है डी नंबर और ई नंबर ऑप्शन है। ये बड़े बड़े जो धुनर्धर लोग जो पहले यूँ कहा जाए तो PT मास्टर हुआ करते थे उन लोगों को भी धूल चटाने वाली ये सारी ऑप्शंस दिए गए हैं। और एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर अगर बातचीत करूँ तो उसके ऊपर हम अभी बताने वाले हैं, लेकिन इसमें क्या क्या होने वाला है उसके ऊपर बात करूँ तो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न और निगेटिव मार्किंग और किस तरीके का क्वेश्चन लेवल था वो, साथ में आंसर की एंड देन कट ऑफ क्या जाने वाला उसके ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है ना। तो बिना समय गंवाए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पहली बात ये है कि यहाँ पर आप देखो तो ये देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि देखो जांच जो भी होगा उसमें निगेटिव मार्किंग वगैरह का इन्होंने प्रावधान वगैरह किया हुआ है जिसके बारे में इन्होंने कहा हुआ है। टोटल क्वेश्चन नंबर 150 था और उसमें कोई बदलाव नहीं है, 150 ही क्वेश्चन है और उससे कम क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन का लेवल क्या है तो मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा दूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन का आप यहाँ पर लेवल देखो तो क्वेश्चन का जब लेवल आप देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी और ई पे फोकस करो, ठीक है ना। आंसर की अभी मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर डी एंड ई पे फोकस करो तो आप पाओगे कि प्रत्येक क्वेश्चन में मात्र तीन ही आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है ना। तीन ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें आंसर छुपा हुआ है और डी और ई ऐसे हैं जो आपको निगेटिव मार्किंग के नाम पर आपको बर्बाद करेगा, निगेटिव मार्किंग के नाम पर आपको बर्बाद करने वाला है, ठीक है ना। और यूँ कहा जाए तो ये पूरे क्वेश्चंस में इसी तरीके का आपको दिखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक दो क्वेश्चन में ही ऐसा हो, सभी क्वेश्चंस में आपको डी और ई नंबर जो ऑप्शन है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ऑप्शन दिया गया है और हर क्वेश्चन में ये दिया गया है, ठीक है ना। अब मैं इसके आंसर के ऊपर बातचीत करूँ, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका पैटर्न। देखो एग्जामिनेशन जो हुआ है, इस एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी बात ये है गाइस कि इस एग्जामिनेशन में हुआ क्या है कि जो इजी लेवल के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की जो संख्या है अप्रॉक्सीमेटली पूरे पेपर में आप देखोगे, ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, 20 से 25, ठीक है ना, 20 से 25 मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। एंड 30 क्वेश्चन के बाद आप जाओगे तो आपको क्वेश्चंस इजी नहीं दिखने वाला है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है इसमें, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें करेंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इस बार करेंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, साइंस का वेटेज जितना था वो उतना ही रखा गया है, लेकिन 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन तक आपका साइंस खींच दिए हुए हैं और बचा खुचा हिस्ट्री ले लिया है, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा इस बार पूछा गया है तो आपका साइंस से क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा आपका करेंट अफेयर साइंस एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड होलिस्टिक रूप से थोड़ा मोड़ा ज्योग्राफी ले लो। एंड देन इस बार आप देखोगे तो थोड़ा सा एक दो पार्ट आपको एक दो क्वेश्चन रीजनिंग के भी दिख जाएंगे और मैथ का भी दिख जाएगा। अब मैं आपको बात करूँ तो यहाँ देखो क्वेश्चन जो थे ईजी थे, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं था, इसका नंबर जो है 20 से 25 था, ठीक है। उसके बाद आप मॉडरेट लेवल में क्वेश्चन जाओगे तो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन में आपको जो मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल का मिलेगा, और यूँ कह लो कि 50 नहीं 70 तक आपको मॉडरेट लेवल का है और बाकी जो भी क्वेश्चन है आपका हार्ड लेवल का है। क्योंकि जो पैटर्न पहले फॉलो कर रही थी BPSC और जिस पैटर्न को लेकर के अभी तक जितने भी संस्थानें पढ़ा रही थी, ठीक है ना, और यूँ कहा जाए तो जितने भी बच्चे ऐसे तैयारी कर रहे थे, इन तमाम चीज़ों में बदलाव आ चुका है, ठीक है। आंसर की जो है वो आंसर की आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर में अपलोड हो जाएगा, क्योंकि इस पर टीम काम करना शुरू कर दी है तो 1 से 1.5 घंटे लगेंगे ताकि सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखा जाए और उसके बाद उसको आप लोगों के पास सही चीज़ पहुंचाया जाए, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें लग रहा है कि बी भी सही है, सी भी सही है और लग रहा है कि डी भी नहीं होना चाहिए और ई भी नहीं होना चाहिए, तो वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से टीम इस पे काम कर रही है और टीम जैसे ही काम कर लेगी पूरा हो जाएगा काम, तो फिर मैं आपको 1 से 1.5 घंटे में आंसर की अपलोड कर दूँगा, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि कोई भी आपसे इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है ना। अब थोड़ा कट ऑफ के ऊपर बात कर लूँ कि कट ऑफ इस बार क्या जाने वाला है। तो देखो गाइज ये कट ऑफ अभी प्रारंभिक कट ऑफ है, यू कहा जाए तो जो प्राइमरी लेवल का जो कट ऑफ है उसके बारे में बात कर रहा हूं, तो कट ऑफ इस बार जो जनरल कैटेगरी के रहेगा वो 100 के आसपास रहेगा, ठीक है ना, 102 मैक्सिमम 3, 102 से लेकर 3 के आसपास रहेगा जनरल कैटेगरी का। ये भी बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन देखने के बाद आपको थोड़ा भी नहीं लगने वाला है कि 100 प्लस कट ऑफ भी जा सकता है इस बार, ठीक है ना। उसके बाद EWS का मैं बात करूं, EWS का कट ऑफ की मैं बात करूं तो EWS का मैक्सिमम जाने वाला है 90, ये 98 से लेकर के 100 के बीच में EWS का रहेगा,
और ओबीसी का मैं बताऊँ, ओबीसी का बताऊँ तो यहाँ पे आप ले लो या 95 से लेकर के 100 के बीच में रहेगा, ठीक है ना। मेल फीमेल की मैं बात करूँ तो जो भी मैंने कट ऑफ बताया उसमें से 5 नंबर माइनस कर लेना, आपको मेल फीमेल का निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था कट ऑफ का एक लिस्ट जो आंशिक तौर पर कह रहा हूँ, ठीक है ना। अभी टीम इस पर काम कर रही है और जल्द ही आप लोगों के लिए न्यू ब्रांड कट ऑफ के ऊपर एंड देन फाइनल आपके एंसर की के ऊपर वीडियो आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस मैं यही कहूँगा कि जो लोग एग्जाम देकर के आ रहे हैं बस वो सेफ ट्रेवल करें, अपने घरों तक सेफ जाए। एंड देन मैं यही कहूँगा कि अभी ज़्यादा आप रास्ते में कि आंसर के क्या होना चाहिए पैनिक नहीं लेना है अपने आप को, क्योंकि इस बार का पैटर्न मैं यूँ कहूँ तो जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई है कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जैसे कि 100 लोगों में अगर 100 लोगों से बातचीत करो तो मात्र 2 लोग आपको ये कहेंगे कि मेरा तो हो रहा है, लेकिन 98% लोग ये कहेंगे कि नहीं नहीं पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता, क्योंकि इस बार का पैटर्न बिल्कुल अलग है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 3 बार 4 बार मेंस लिखे हुए थे, लेकिन उन लोगों से जब हमारी बातचीत हुई है तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं इस बार का थोड़ा मामला अलग है, ठीक है ना। तो समझो इसका पैटर्न बहुत अलग है, आपको क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लग सकता है बट इजी है नहीं, ठीक है ना। तो ये था तमाम, मैंने ये वीडियोज़ में कवर कर लिया है, ठीक है, एंसर की फाइनल एंसर की का और एंसर की क्या होना चाहिए, ठीक है ना, और क्या क्या आंसर होना चाहिए वो जल्द ही अपलोड कर रहा हूँ, और साथ ही कट ऑफ के ऊपर भी आपका वीडियो जल्द ही आ जाएगा, ठीक है, और एनालिसिस पेपर भी आपको जल्द ही आ जाएगा और ये सब 1-2-3 घंटे में आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।